साहिबाबाद इलाके में रहने वाली अनीता गुप्ता के साथ अनोखी ठगी का मामला सामने आया है। खुद को पुलिसकर्मी बता करके तीन बदमाशों ने एक महिला से उसकी सोने की चेन और सोने के कड़े ठग लिए। अनीता शालीमार गार्डन इलाके में अपने घर जा रही थी, उसी दौरान तीन युवकों ने उसका रास्ता रोका। अनीता के मुताबिक तीनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और कहा कि आगे किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है, और यही डर दिखाकर अनीता से कहा गया कि वो अपने सोने की चेन और कड़े उतारकर पॉलीथीन में रख लें। जैसे ही अनीता ने अपने सोने के गहने उतारे, आरोपी ने उन्हें पॉलीथीन में रख दिया, और उसके बाद अनीता के माथे पर आरोपियों ने थर्मामीटर लगाया और ध्यान भटकाकर पॉलीथीन की अदला बदली भी कर दी। घर आई अनीता ने जब पॉलीथीन खोलकर देखा तो उसमें असली सोने की जगह पीतल की चूड़ियां थीं, और इसके बाद मामले की शिकायत साहिबाबाद थाने में की गई। हत्या और खुद की सुरक्षा का भय दिखाकर के जिस तरह से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया, वो सभी को हैरान करने वाला है। अब देखना यह है कि पुलिस इन आरोपियों तक कब तक पहुंच पाती है।